तो भाई हमारे इंडिया में दो बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की मार्केट है, एक जलंधर है जो भाई मैन्युफैक्चर करता है स्पोर्ट्स गुड्स, जिम के इक्विपमेंट्स और बहुत कुछ। तो भाई मैं आ जाऊँ जलंधर की स्पोर्ट्स मार्केट को एक्सप्लोर करने, और भाई जो प्राइस होता है वो पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेस्ट प्राइस मिलेगा। आप कभी भी कोई भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना मोस्टली जिम के, या फिर उन पे अगर मेड इन चेक करोगे, अगर वो इंडियन प्रोडक्ट है तो उस पर मेड इन जलंधर ही होगा मोस्टली। है क्या कोई अंदर? हाँ, अच्छा बड़े, अच्छा ये छोटी से बड़ी तक सारे साइज की है। हाँ। वो घर के लिए और वैसे वो बाहर के लिए। ये जो होता है ना पहले ट्रेड में, हाँ। एक होंडा एसी मोटर, एक होंडा बिजली डीसी मोटर, अच्छा, और एक होंडा विदाउट इलेक्ट्रॉनिक, तो बिजली का कोई खर्चा नहीं। अच्छा, तो इसमें विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कौन सी है? ये है विदाउट इलेक्ट्रॉनिक। अरे ये तो साइकिल है, ये ये कैसे चलती है फिर? ये भाई आपका मतलब जोर लगाना था ना, ताकत लगाना पड़ता है। समझ नहीं आया, चला के दिखा सकते हो? हाँ, पहली बार देखी मैंने ऐसे, मोटराइज ही देखी आज तक। इसका प्राइस कितना है, कौन सी कंपनी के? 12,800। लाइफ लाइन वारंटी होती है कोई? हाँ। कितनी साल की? साल की चलता कैसे, चला के दिखाओ। अच्छा, मतलब इसमें वैसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, अपने आप चले, अपने आप ही स्पीड रोकोगे, अपने आप ही बढ़ाओगे? अच्छा, और रोकोगे जब तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, खींच के लेके जाओगे स्पीड बढ़ जाएगी? अच्छा, अपने हिसाब से। ये सही है। और जो मोटराइज होती है उसमें कितना फर्क है? वो चलता है पहले, उसमें ना बटन से जितना नहीं, वो तो पता है मेरे को। उसमें क्या प्राइस का वो है? उसमें ना अपने 25-30,000 से स्टार्ट होता है, 25-30 से स्टार्ट होता है। तो अच्छा ट्रेडमिल अगर आपने लेना है ना, हाँ हाँ, घट्टो घट ना पहले आपको 34-35,000 का आएगा, 34-35,000 का। और वारंटी होती है उनपे? हाँ, साल की तो वारंटी होता है, जैसे ये ट्रेडमिल है ना। अच्छा, ये होगा कोई 34-34,000 का, 34-34,000 का ये एक क्विंटल। और ब्रांड क्या है ये? टॉप प्रो। टॉप प्रो, अच्छा आपके पास टॉप प्रो का ही है क्या सब कुछ? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टॉप प्रो लिखा है। और वो मतलब ऊपर जो जैसे सेमी कमर्शियल है ना, सेमी कमर्शियल। अच्छा, ये तो मैं समझ गया, ये जिम वाली होगी जो बड़ी बड़ी होती है। हाँ, थोड़ी जिम टाइप हो गई। भी रख सकते हो ये, एक नहीं मतलब बड़ी साइज की है ना, तो मोस्टली जिम्स में लगती है ये, सब घर में लग जाती होगी, सस्ती भी है अपना थोड़ा। बट ये है ट्रेडमिल, अच्छा ट्रेडमिल है। उसके बाद ये वाला लो, ये सबसे ज्यादा ये बिकता है, सबसे ज्यादा बिकता है। खासियत क्या है इसकी? इसका ये है, फर्क क्या है? फर्क क्या है इनमें? इसमें आउटडोर इंक्लाइन है, जैसे पहाड़ी नहीं चलते ऊंचा। अच्छा, भी हो जाएगा, दिखाऊं? तो मेरे ख्याल से इंक्लाइन तो सब में ही होता है। नहीं, सारे में नहीं, पता नहीं, मैंने तो अभी तक जितने देखे उसमें इंक्लाइन का फीचर होता है। आपको कुछ समझ के पहले ऐसे ही चलाता हूं घर में। हां हां, वो कोई बात नहीं यार, मैं आपको सारा कुछ की जानकारी दे दूं। जितने भी प्रोडक्ट है ये सब टॉप रो का ही है। हाँ, और अच्छा आपके पास सब टोटल टॉप रो का ही होता है। हाँ, 45% डिस्काउंट करूंगा एमआरपी पे। हाँ, तो ये होगा ना कोई 19-20 हजार, 19-20 हजार का। और सब पे साल की वारंटी होती है? हाँ। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। अरे इंक्लाइन मतलब समझ गया, ऐसे ऊपर की चढ़ाई की तरफ चढ़ेगा वो, तो मेरे जिम में लगी हुई, वो मैं समझ गया आपकी बात, सब में नहीं होती इंक्लाइन। अच्छा, डिस्काउंट होता है। और ये साइकिल का क्या रेट है? साइकिल आपको जो है ना सैंपल रियर बाइक जो होता है ना, वो देखो 7100 का ट्विस्टर वाला जो बाहर लगा है। ये क्या है? ये तो मैंने पहली बार देखी है, ये क्या सिस्टम है? रिकॉम्बेंट बाइक। क्या है? रिकॉम्बेंट बाइक। रिकॉम्बेंट बाइक, रिकॉम्बेंट बाइक है भाई। और प्राइस कितना है इसका? 45%। तो सही पड़ेगी फिर तो, ये 45,000 तो एमआरपी है। तो इसमें फर्क क्या होता है? आगे की तरफ पैडल मारते हैं इसमें, मेरे ख्याल से कंफर्ट मिलता होगा ज्यादा। और इसमें क्या प्राइस है? ये है भाई अपना, ओहो सही है भाई। और सब पे भाई एक साल वारंटी? अरे आप तो यहीं पे अपनी एक्सरसाइज करने बैठ गए। अच्छा, फोन से कनेक्ट भी हो जाता है क्या ये? गाने भी बजते हैं इसमें? बजा के दिखाओ। ये देखो भाई, इसमें स्पीकर भी लगा।
ये अपना क्रॉस ट्रेनर कितने का पड़ता है? इसमें भी अलग अलग साइज है, मतलब 25,000 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये वाला कोई 32-33,000 का है। ये वाला सबसे ज्यादा बिकता कौन सा है? ये वाला। ये वाला इसमें खासियत क्या है? साइज में बड़ा है, 1 क्विंटल 40 kg तक का बंदा चला सकता है। अच्छा, बड़ा साइज है इसका, मूविंग थोड़ा। पर मैं देख रहा हूँ इसमें जो पैर है यहाँ पे साइड में वो नहीं लगा, अगर तुम मान लो कई बार बैलेंस आउट होता गिर सकता है। नहीं, जैसे ये है इसमें इसका जो ग्रिप है वो थोड़ा सा बड़ा है। जैसे ये है ना भैया अपना, इसमें ग्रिप थोड़ा ज्यादा है, इसमें जो पैर का ग्रिप है। ये जो है ना, एक तो जैसा तो हमारा टाइल थोड़ा सा ऊपर नीचे है। अच्छा, ठीक है। नहीं तो इसको, अरे नहीं नहीं, टाइल की बात नहीं करता। हाँ, इसको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं वो तो समझ गया, मशीन की नहीं कह रहा भैया। ये पैर हटाओ, जैसे पैर हटाओ, जैसे ये पैर है ये ऐसे साइड में गिर सकता कई बार ना, बैलेंस आउट होता है। बैलेंस बंदे अपना बना के रखे ना, इसको पकड़ के रखे, क्यों गिरना पड़े? अगर ज्यादा देर कर लिया बाई चांस बैलेंस आउट हो जाए तो गिर सकते हैं। सबसे ज्यादा यही बिकती है। अच्छा, 12-13-14,000 की रेंज की है सारी। सही है यार, मतलब घर के लिए तो परफेक्ट है फिर तो, इससे ज्यादा साइज बड़ा भी नहीं चाहिए होता। ये मुझे अच्छी लगी एक तो, पता है क्या, मैं जब जिम में अपने करता हूँ ना, मेरी कमर में दर्द हो जाती है। इसका हाँ, बैक रेस्ट है और इसको ना आप कहीं जा रहे हो टूर स्टार पे, तो इसको गाड़ी में रखिए, डिक्की में रखिए जा। अच्छा, फोल्डेबल है ये? ये नाले एडजस्ट है, जहाँ पे इजीली फोल्डेबल है, प्रॉब्लम तो नहीं आती कहीं दो बार होल्ड करें टूट जाए? ये सही चीज है यार। ये कितने की पड़ेगी इसका प्राइस है? इसका डिस्काउंट करूंगा ना, वैसे 24,000 है, 45 इस पे भी 14-15,000 समझ गया मैं। सही है, 13.5-14 के आसपास पड़ जाएगी। 12-13-14, 7-8 हजार से स्टार्ट हो जाता है। ये रोलर है लेने वाला। क्या रोलर? वो देखो ना, रोलर की जो लोग गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे की तरफ। ये कितने का है? इसमें 2-3 क्वालिटी है, अलग अलग है। ये कोई 7-800 का है, इससे सस्ता भी है। और वेट्स क्या, वेट के हिसाब से रेट होता है वैसे? ये इसमें डंबल अलग अलग होता है, हैक्स डंबल 120 रुपए की। ये जो ये अलग डंबल वाला है, ये एडजस्टिकल प्लेट है, रॉड है ना? हाँ हाँ, ये अलग रेट का है। ये क्या सिस्टम है? ये 350 का जोड़ा छोटा रॉड मिलेगा, 150 रुपए किलो प्लेट मिलेगा। 50 रुपए किलो है प्लेट। और ये वाला 120 रुपए किलो डंबल है, हैक्स डंबल। ये नीचे वाला? नहीं नहीं नहीं, ये वाला। हाँ अच्छा, उसके बाद ये जो बाउंसर डंबल है, 200 रुपए किलो। बाउंसर डबल कौन सा? ये स्टार को लगा हुआ है। स्टार? अच्छा ये अच्छा, ये इसमें फर्क क्या है? ये जंप करता है, इसको नीचे 7.5 है ना, इसको नीचे। क्वालिटी अच्छी है इसकी? हाँ, इसके नीचे गिराओगे तो जंप करेगा। अच्छा, नीचे जमीन पे गिराऊं? पक्का? ओ मतलब इसके रबड़ सराउंडिंग रबड़ की है ये? अच्छा है, अगर कभी जिम गिर जाए तो अपना। ये सही चीज है यार। अच्छा, इसलिए महंगा है ये? अच्छा, ये घर के लिए बढ़िया है, जैसे टाइल वाइल टूटने का लगा। ये बढ़िया चीज लगी यार, बढ़िया है।